श्री गणेशाय नमः। मन की गति बड़ी विचित्र है। जो व्यक्ति मन के विचारों को विवेक की तुला पर रखकर तोल लेता है, यानी कि बैलेंस बीम पर रख के तोल लेता है, फिर उसको मूर्त रूप देता है, वह कभी धोखा नहीं खाता। इसलिए मानसिक शक्ति को दृढ़ बनाकर आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, सक्सेस जरूर मिलेगी। मन में यह विश्वास जमाएं कि आप में बहुत ज़्यादा शक्ति है, कभी ना खत्म होने वाली अपूर्व शक्ति है और आप अमुक कार्य को अवश्य कर सकते हैं। तो कठिन से कठिन, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट काम जो भी होगा वो भी आपके सामने आसानी से खत्म हो जाएगा, आसान से आप कर लेंगे, आपके सारे रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। इस बात पे विश्वास रखिए। हमेशा आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ, सोचना शुरू कीजिए। इसके पीछे एक बहुत ही अच्छी साइंस है, द साइंस ऑफ योर थॉट्स। जो हम सोचते हैं वो हम यूनिवर्स में फेंकते हैं। जो भी हमारे थॉट्स हैं, अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, उन्हें सोच करके हम यूनिवर्स में छोड़ते हैं। ये इसी तरीके से हो गया कि आपने एक बॉटल ली, उसमें अपना पेपर डाला, बंद करके नदी में फेंक दीजिए। वापस कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे तो घूम के आएगा और इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वापस आप पे ही आए। तो ऐसा अगर करेंगे तो आप देखेंगे जो अच्छा सोच रहे हो वापस फुल सर्कल होकर के हमारे तक ज़रूर आएगा। हमेशा बोलते हैं ना, जो किया है उसका फल तो प्राप्त होगा ही, जो कर्म करोगे उसको भोगोगे तो सही। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो उसको वापस बुरा होगा। इसी प्रिंसिपल पे ये भी आपके लिए आधारित है। नमस्कार, मैं हूँ मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में तथा दैनिक राशिफल के आज के नए एपिसोड में। आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ जिनका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह या कोई विशेष यादगार सफलता का दिन है। सबसे पहले आपको आज के लिए ग्रह स्थिति बता देता हूँ क्या रहने वाली है। सबसे पहले चंद्रमा कन्या राशि में आज के दिन विराजमान है। वहीं राहु मिथुन राशि में, मंगल गुरु और केतु धनु राशि में आज के दिन विराजमान रहेंगे। वहीं पर शनि और सूर्य यानी कि पिता और पुत्र एक साथ में मकर राशि में आज के दिन विराजमान रहने वाले हैं। बुध कुंभ राशि में तथा शुक्र मीन राशि में आज के दिन विराजमान रहेंगे। आज चंद्रमा कन्या राशि में विराजमान है, इसके चलते आज के दिन शुभ फल प्राप्त करने वाली राशियां हैं मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि। अशुभ फल प्राप्त करने वाली राशियां हैं जिनको सावधानी बरतने की जरूरत है, अपने आप पर सावधान रहने की जरूरत है, तो वो है मेष, सिंह और धनु राशि। इन ग्रह स्थिति के संदर्भ में आपको बताने जा रहा हूं कैसा रहेगा आपके लिए 13 फरवरी का राशिफल, कैसा रहेगा 13 फरवरी का दिन। शुरुआत करते हैं सबसे पहली राशि से, यानी कि मेष राशि से। तो आज आपकी राशि से सिक्स हाउस में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं, जिसके चलते आज का दिन आपके लिए फायदा पहुंचाने वाला है। जीवन आज सामान्य गति से चलेगा, पर प्रेमी के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय आज बिताने को मिल सकता है। सेहत के लिहाज से भी आपका दिन आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। छात्रों के लिए आज का दिन अन्य दिनों की अपेक्षा से, यानी कि दूसरे दिन के कंपैरिजन से, आज का दिन ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। साथ ही ये अपनी दिशा की भी निर्धारित कर सकते हैं कि कौन से डायरेक्शन में इनको जाना है। अगर पढ़ रहे हैं, कोई फील्ड चूज़ करने वाले हैं, ट्वेल्थ के एग्ज़ाम देंगे, टेंथ के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको आगे फील्ड चूज़ करनी है। यहीं पर ट्वेल्थ कर ली है तो अब आगे के लिए फील्ड चूज़ करनी है, तो वो भी आज के दिन आप क्लैरिटी पाएंगे कि कहाँ पे आपको जाना है। बिजनेसमैन्स को आज के दिन लाभ मिल सकता है। वहीं पे दोस्तों के साथ कहीं घूमने की अगर आप प्लानिंग बना रहे थे तो अच्छा खासा समय आपको आज बिताने को मिलेगा। धन लाभ के लिए कुछ नए सोर्स आपको प्राप्त हो सकते हैं आज के दिन, लेकिन पैसों की लेन देन से आपको आज के दिन बचना चाहिए, अपने आप को रोकना चाहिए। ना ही किसी को पैसे दें और ना ही किसी से पैसे लें, तो अपने आप के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज के दिन खास काम में आपको सफलता भी मिल सकती है। आप अपनी ताकत और जो प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, उससे पहचाने जाएंगे। आप किसी समारोह में या तो फिर किसी इवेंट के अंदर अगर जाने वाले हैं, उसकी आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी अगर जाएंगे तो लोग आपको नवाजेंगे, ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ और आपकी तरफ आपसे बात करने के लिए आते रहेंगे। आपका जीवन साथी आज आपसे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की उम्मीद करता है, वो है ईमानदारी, लॉयल्टी, ट्रूथफुलनेस। इसकी आपसे अपेक्षा रखता है, इस चीज़ को, इस विश्वास को तोड़िएगा मत। आज के लिए आपका लकी रंग है मजेंटा और आपका लकी नंबर है नंबर 1। बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आज आपकी राशि से फिफ्थ हाउस में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं। मन में किसी बात को लेकर बेचैनी बनी हुई है, परेशान है अंदर से, तो इसी के चलते ये परेशानी जो है ये सामने मुंह पर भी दिखेगी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है प्रॉब्लम क्या है, पर ना ही आप उसको व्यक्त कर पा रहे हैं कि है क्या चीज़। आज के दिन इंटरव्यू के लिए अगर आपको बुलाया जाए तो ज़रूर जाइएगा,
पर एक ही बात है, प्रिपेयर्ड होकर के जाइएगा और मूड सही करके जाइएगा। आज के दिन आपको सफलता मिलने के पूरे आसार हैं। जीवन साथी से आज आपकी बात कम होगी, लिमिटेड होगी, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बिजी पाएंगे या तो फिर ऐसे मूड में पाएंगे कि किसी आसपास वाले से बात नहीं करनी। आप कहने और सुनने के आज मूड में बिल्कुल भी नहीं है। वहीं पर आर्थिक स्थिति आज के दिन आपकी ठीक ठाक बनी रहेगी और सेहत भी ठीक रहेगी। स्टूडेंट्स को आज के दिन किसी प्रतियोगिता में सफलता भी मिल सकती है। किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर आप देने की सोच रहे थे या तो फिर कहीं कॉम्पिटिशन रेस में, यहाँ पर स्टूडेंट्स की जब बात करते हैं, जब कॉम्पिटिशन की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं की जाती, हम बात कर रहे हैं प्लेयर्स की। जो भी कॉम्पिटिशन के अंदर है, चाहे स्पोर्ट्स के अंदर हो गए, इंटेलेक्चुअल आपके हो गए या तो फिर सॉफ्टवेयर के अंदर भी, कहीं जगहों पर आज के दिन वर्चुअल गेमिंग भी होती है। तो जो वर्चुअल गेमिंग कर रहे हैं उनके लिए भी कंपटीशन का समय जो है वो अच्छा रहेगा। लेकिन आपके ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर या तो फिर परफॉर्मेंस का प्रेशर आज के दिन बना रहेगा। रुके हुए जो काम है आपको किसी अपने आप दोस्त की सहायता से पूरे होते नजर आएंगे। कोई खुशखबरी भी आज के दिन आपको मिल सकती है। वहीं पर आपके पास कुछ नई जिम्मेदारियाँ आपके पास में दी जा सकती है। आज के दिन कोई भी रुकावट आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। ऑफिस में आपको लोगों से सहयोग मिलता रहेगा। वहीं पे काम को लेकर कुछ नए विचार यानी कि कुछ नए आइडियाज़ आपके दिमाग में पनपना शुरू हो रहे हैं। इन आइडियाज़ को, इन पौधों को पानी देना शुरू कीजिए। आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी कि ये आइडिया कितने ज़्यादा क्रिएटिव है। कोई भी आइडिया होता है उसको फटाफट से चेकआउट करने की मत कोशिश कीजिए, सही से उसको पहले पूरा बनाइए, प्लान कीजिए कि है क्या ये चीज़। आज के लिए आपका लकी रंग है ऑरेंज और आपका लकी नंबर है नंबर 7। बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आज आपकी राशि से फोर्थ हाउस में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं, जिसके चलते आज का दिन आपके लिए थोड़ा भारी हो सकता है, आपके लिए डिस्टर्बिंग हो सकता है। जीवन साथी के स्वभाव और व्यवहार को लेकर आपके मन में डिससैटिस्फैक्शन बना रहेगा। वहीं पे विद्यार्थियों को सामान्य सफलता भी शायद आज ना मिल पाए। छोटे भाई बहनों का स्वास्थ्य भी आज आपके लिए प्रॉब्लमैटिक बन सकता है, कुछ ना कुछ तनाव का कारण बन सकता है। आप सोच रहे होंगे कि है तो क्या है और ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है। खराब कुछ किया नहीं है पर तो भी बार बार आपकी तबीयत खराब होती रहती है, इसका रीजन क्या है। आज बिना बात किसी क्रिटिसिज्म के भी आप पात्र बन सकते हैं, कोई बिना बात के आपके ऊपर आलोचना भी कर सकता है, पर इसको याद रखिएगा इमोशनल होकर के नहीं लेना है। जब भी कोई क्रिटिसिज्म करता है उसको सही तरीके से लेने की कोशिश कीजिए, ग्रेसफुली। अपने आप देखेंगे बड़े से बड़े सितारे हुए, बड़े से बड़े राइटर्स हुए, पॉलिटिशियंस हुए, अगर उनकी कोई आलोचना करता भी है तो कभी भी आप उनको गुस्सा होते नहीं देखते कि आपने बोल कैसे दिया। वो हमेशा बोलते हैं ये उनका मत था, या तो फिर कई बार बोलते हैं आपने जो बोला मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मैं अगली बार और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करूँगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अपने आप को अगर बड़ा इंसान बनता देखना चाहते हैं तो इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान रखिएगा। आज के दिन आपको चिड़चिड़ापन भी आप पर हावी रहेगा। वहीं पे विवादों को निपटाने या कर्ज चुकाने के लिए आज अगर पैसा खर्च करना पड़े तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन है। फटाफट से खर्च करके अपने आप को इस प्रॉब्लम से बाहर लेके आइए। आज के दिन अगर यात्रा करते समय आपको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, और अगर यात्रा अगर आप रात को करने वाले हैं, रात को अगर ड्राइव करने वाले हैं या राइड करने वाले हैं तो और ज़्यादा दुगनी सावधानी रखने की ज़रूरत पड़ेगी। आज के लिए आपका लकी रंग है वाइट और आपका लकी नंबर है नंबर 9। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो आज आपकी राशि से थर्ड हाउस में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं। आज का दिन आपके लिए आपके मुताबिक जाने वाला है, बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी और पूरे दिन बहुत खुशी में आज का दिन आपका बीतेगा। आज कोई आपको अवार्ड रिवॉर्ड की सिचुएशन भी मिल सकती है, ऑफिस में छोटे से एक अवार्ड से वहीं पर स्टूडेंट्स को चॉकलेट मिलने जितना अवार्ड, ऐसा भी कुछ ना कुछ हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। सामाजिक हलके यानी कि सोशल गैदरिंग्स में आज आपको बहुत लोकप्रियता मिलेगी। आपका जो पेडेस्टल है, जिस पेडेस्टल पे आप खड़े हो, जहाँ पे आप खड़े हो वो बहुत ही ऊंचा हो जाएगा कि ये इंसान है जिन्होंने सब कुछ किया था, ये है जो कि आप इम्प्रेशन के या तो फिर मैं बोलता हूँ किसी अच्छी चीज़ के पात्र बन सकते हैं। आज के दिन आप अपने प्रियजनों के साथ, अपने जिनके लव नियर एंड डियर जो लोग हैं उनके साथ भविष्य की कोई ना कोई प्लानिंग कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में हमें गुवाहाटी जाना चाहिए या स्पेन जाना चाहिए या वी शुड गो टू इबीजा, ऐसा कुछ ना कुछ बाहर जाने का प्लान या कोई बड़ी प्लानिंग आज के दिन आप सबके सब साथ में बैठ के करेंगे। आपको कोई एक ऐसा अवसर भी आज के दिन मिल सकता है जो करियर में बहुत ही ज़्यादा अच्छे आपके लिए दरवाजे खोल दे। वहीं पर बिजनेसमैन को अपने कार्य का अगर एक्सपेंशन करना है तो उसके ऊपर आज के दिन प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए है, और वहीं पे प्लानिंग के साथ में कॉन्टैक्ट्स स्थापित करना शुरू करना चाहिए।
आज स्वास्थ्य की अगर बात करें तो आपको यात्रा करना जितना हो सकता है उतना रोकना चाहिए। बिना बात अगर यात्रा करेंगे तो ऑलरेडी आपका स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ा हुआ है, नाजुक है अभी, और वहीं पे यात्रा करते समय प्रॉब्लम हो सकती है और ज़्यादा गंभीर। और इसी के चलते कोरोना वायरस जिस तरीके से हर जगह फैल रहा है, हमें ट्राई करना चाहिए या तो फिर यात्रा पब्लिक प्लेसेस पे ना करें, और अगर करें तो सही से पूरे प्रिकॉशन के साथ में मास्क पहन करके, हाथ में ग्लव्स पहन के फिर ही करें, तो अपने आप को सिक्योर भी रखेंगे। अल्टीमेटली सबसे बड़ी जमा पूंजी हमारे पास में है क्या? हमारा जीवन, हमारा स्वास्थ्य। इसको अगर सही रख लेंगे तो अपने आप आने वाले समय में खराब से खराब समय से भी निकल जाएंगे और अच्छे से अच्छे समय को भी और ज़्यादा लुत्फ उठा पाएंगे। आज के लिए आपका लकी रंग है भूरा यानी कि ब्राउन, और आपका लकी नंबर है नंबर 3। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो आज आपकी राशि से सेकेंड हाउस में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य में तो उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा ही, वहीं पे आपको आज हॉस्पिटल के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी जिसको बोला जाता है, वायरल फीवर हो गया या तो फिर जुकाम जैसा हो गया, खांसी हो गई या एलर्जी हो गई, इससे आज अपने आप को आप ग्रसित पाएंगे, अपने आसपास में घूमता फिरता पाएंगे, कोई संतोषजनक आज के दिन आपको महसूस करवा सकता है। आप आज क्या कहते हैं, आपके मुंह से क्या निकलता है, आपकी ज़ुबान से क्या निकलता है, इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। चाहे महिलाएं हैं तो पुरुष को क्या बोल रही हैं, यानी कि अपने मेल काउंटर पार्ट को, ऑपोजिट सेक्स वालों को किस तरीके से क्या बात बोल रही हैं ऑफिस एनवायरमेंट में, इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा आज के दिन सावधान रहने की ज़रूरत है। वहीं पर आप जो देख रहे हैं, जो पुरुष लोग देख रहे हैं, या तो मैं बोलता हूँ मेल काउंटर पार्ट जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, आपके मुंह से क्या निकलता है उस पर आज आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। बिना बात कुछ मस्ती मजाक में भी अगर आपने गलत बोल दिया तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीरियस आपके लिए आज खड़ी हो सकती है। तो जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल में रखें और कुछ भी बोलने से पहले दो बार भगवान ने जो ऊपर फिल्टर दिया हुआ है उस RO फिल्टर को यूज़ करके बोलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज के दिन अगर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो अपने आप को थोड़ा सिक्योर साइड में करके सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट्स कीजिएगा। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली सिचुएशन आपके लिए नहीं बनी है अभी, उस बात को ध्यान में रखते हुए फिर आगे बढ़िएगा। वहीं पे जो भी बिजनेसमैन हैं उनको भी आज के दिन बहुत ही सोच समझ के बिजनेस करने की ज़रूरत है। बिना बात हो सकता है किसी आदमी को प्रोडक्ट दे रहे हैं, किसी इंसान को प्रोडक्ट दे रहे हैं और कुछ देने के बजाय कुछ और दे दिए, सस्ता देने के बजाय महंगा पकड़ा दिए, या तो फिर जो सामान दे रहे थे उसकी जगह गलत प्राइसिंग करके सामने दे दी। आज के लिए आपका लकी रंग है ब्लू और आपका लकी नंबर है नंबर 7। बात करते हैं कन्या राशि की। तो आज आपकी राशि से फर्स्ट हाउस में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं, इसके चलते स्वास्थ्य में आज आपको बहुत ही ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा, वहीं पे बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक और इसी के साथ में मोटिवेटेड फील करेंगे। आज के दिन अगर कहीं लंबी सैर पर भी जाना है फैमिली के साथ में या तो फिर ऑफिस कलीग्स के साथ में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय है। आज प्रतिकूल परिस्थितियों पर आप साहस और विश्वास के साथ विजय भी प्राप्त करने वाले हैं। वहीं पर कोई भी अगर प्रॉब्लम खड़ी हो जाए आपके सामने, कितनी भी बड़ी हो, उसको सुलझाने में आप सबसे पहले आगे बढ़ेंगे। आपका जो पॉजिटिव सोचने का तरीका है आपको कोई नए अपॉर्चुनिटीज़ भी दिलवा सकता है। हो सकता है एक ऑफिस कलीग्स के साथ में या फैमिली के साथ में कहीं पे जा रहे थे, आसपास में कुछ बुरा होता हुआ देखा है। हर इंसान जहाँ पे अपनी नज़र मोड़ लेता है वहाँ पे आप नहीं मोड़े, आपने सही तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की तो आप अपने आप में किसी की मदद भी कर रहे हैं और वहीं पर आपके लिए आगे के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे रास्ते भी खुल सकते हैं। हो सकता है जिसकी आपने मदद की है वो कोई बहुत ही बड़ा इंसान हो सकता है वो बहुत ही बड़ा इंसान जैसे ही आपकी मदद पाए उसके साथ में आपके लिए कर्जदार हो जाए, वो बोले कि अब आपने जो मेरे लिए किया, आपने मेरी ज़िंदगी बचाई, तो वापस मुझे भी कुछ ना कुछ अच्छा आपके लिए करना ही पड़ेगा। तो ऐसा कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल सकता है। वैवाहिक जीवन भी आज के दिन एक खूबसूरत मोड लेने वाला है। वहीं पे दोस्तों के साथ आज के दिन कोई अच्छी बात बांटने का आपको अक्सर मिलेगा। आज मजबूत और विश्वसनीय सूझबूझ के चलते आप अपने आप की फाइनेंशियल सिचुएशन को भी, उसके संबंध में कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से लेंगे, बहुत ही सूझबूझ के ही लेंगे, और आसपास वाले भी सोचेंगे इतनी मैच्योरिटी आई तो आई कैसे, अचानक से इतना ज़्यादा बड़े इंसान के जैसे सोचना कैसे शुरू कर दिया। तो इसी के चलते अपने आप को आज आप अट्रैक्शन में पाएंगे, सबसे इंप्रेस हुए हुए पाएंगे। सारे के सारे आसपास में जो लोग हैं वो आपसे इंप्रेस हुए हुए होंगे कि आज जो आप कर रहे हैं वो अपने आप में सराहनीय है। आज के लिए आपका लकी रंग है पर्पल और आपका लकी नंबर है नंबर 4। तो आइए अब बात करते हैं तुला राशि की। तो आज आपकी राशि से 12th हाउस में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं,
जिसके चलते योजनाबद्ध तरीके से आप काम करना शुरू करेंगे। वहीं पे बिना बात किसी और के पछड़े में आज अगर ना पड़े तो हमारे लिए खुद के लिए ज़्यादा बेटर है। बिना बात के मारामारी की सिचुएशन खड़ी हो सकती है, इस बात को समझते हुए अपने आप को कहीं भी किसी को दूसरे की प्रॉब्लम से आज दूर रखने की कोशिश कीजिएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। वहीं पे मौसम के चलते कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। जीवन साथी के साथ तीखे मतभेद भी हो सकते हैं। वहीं पे जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा बिताने को मिलेगा, और जो बिजनेस ओनर्स हैं, दुकानदार हैं, फ्रीलांसर्स हैं और फैक्ट्री ओनर्स हैं, उनको आज के दिन अगर एक्सपेंशन करने की सोच रहे हैं तो बहुत ही अच्छा दिन है ये करने के लिए। स्टूडेंट्स को आज पढ़ाई का प्रेशर देखने को मिलेगा। एक्चुअल में प्रेशर होता क्या है पढ़ाई का, वो देखने को मिलेगा। आज आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय घर वालों के साथ गुजरेगा। वहीं पर ऑफिस में आज आपको सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। आपके लिए आज के लिए लकी रंग रहने वाला है ब्लू, और आपका लकी नंबर है नंबर 7। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आज आपकी राशि से 11th हाउस में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं, जिसके चलते हर तरफ से आज के दिन आपको सफलता मिलेगी। जिस चीज़ को छू दिया वो सोना है। दाम्पत्य जीवन आज के दिन आपका बहुत ही सुखद रहेगा। वहीं पे स्टूडेंट्स को आज के दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी सफलता मिलने के पूरे योग है। बिजनेसमैन जो हैं उनको आज के दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से फुटफॉल देखने को मिलेगा, प्रॉफिट्स भी मिलेंगे। पर इसी के साथ में चलते आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जो आप बोलने वाले हैं अपने क्लाइंट्स को वो क्या बोलते हैं उस पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। चाहे कोई कितना भी अच्छा आपका कस्टमर हो, काफ़ी समय से आपके पास में आगे शॉपिंग कर रहा है, पर उसको सही तरीके से सब क्लाइंट को भगवान मान करके जिस तरीके से चला जाता है उस तरीके से बात कीजिएगा। आज ज़्यादा फ्रेंडली होकर के बात की तो हो सकता है इतना अच्छा क्लाइंट आपसे अपना रिश्ता तोड़ दे। सेहत भी आज के दिन आपकी बहुत ही अच्छी बनी रहेगी। वहीं पे आज के लिए इंजीनियर्स के लिए दिन आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा मजबूत दिख रहा है। आज विदेश में रहने वाले किसी भी दोस्त से या तो फिर रिश्तेदार से आपकी मुलाकात हो सकती है। हो सकता है कि वो भारत आए हुए हैं तो उनके साथ में मुलाकात हो जाएगी। ऑफिस में सीनियर से आपको आज के दिन वाहवाही मिलेगी, आप वाहवाही के पात्र बने रहेंगे। वहीं पर लवमेट के लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा। पार्टनर से कोई गिफ्ट भी आज का दिन मिल सकता है जो कि आपको प्रसन्न भी कर दे। अब इन्हीं सब के चलते माँ के स्वास्थ्य में आज, माता जी के स्वास्थ्य में आज आपको सुधार देखने को मिल सकता है। काफ़ी समय से अगर कोई प्रॉब्लम से ग्रसित थे, घुटनों में प्रॉब्लम थी या तो फिर कोई ना कोई एक या दूसरी परेशानी सामने आई जा रही थी। कई बार होता है कि ऐसी परेशानी आती है, डॉक्टर भी बोलता है कि परेशानी कुछ नहीं है, ये तो अपने आप को ही यूँ ही बीमार बोलते हैं। ऐसे ऐसे दर्द, सिर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, ऐसी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रह रही है, उसका आज आपको सुधार देखने को मिल सकता है। धन संचय के लिए एक आपको नई योजना भी बनाने को मिल सकती है। वहीं पे आपका लकी रंग है आज के लिए रेड, और आपका लकी नंबर है नंबर 5। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो आज आपकी राशि से दशम भाव में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं, जिसके चलते आज का दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फलदायक साबित हो सकता है। आज आपका स्वास्थ्य पहले की कंपैरिजन से ज़्यादा बेहतर होगा। वहीं पर आपको तंदुरुस्त भी महसूस होगा। पर्सनली अगर बात की जाए, पर्सनल आपके जो मैटर्स हैं उसमें अगर आपको देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी सफलता देखने को मिल सकती है। कोई काफ़ी ज़्यादा समय से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, क्या प्रॉब्लम थी वो ज़्यादा खुल करके शायद मैं इस चैनल पे नहीं बोलूँगा, पर ऐसी कोई प्रॉब्लम थी तो उसका भी आज आपको सॉल्यूशन देखने को मिल सकता है। प्रेमी या तो फिर जीवन साथी के साथ आपके संबंध आज के दिन इसी के चलते बहुत ही ज़्यादा अच्छे सुधर भी जाएंगे। पैसों की आवक आज के दिन बहुत ही ज़्यादा संतोषजनक बनी रहेगी। वहीं पर आज का दिन उत्साह से भरा रहेगा। आपको आज के दिन अनएक्सपेक्टेड गेन्स, जिसको बोला जाता है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी देखने को मिल सकते हैं, और ऐसे सोर्सेस से देखने को मिल सकते हैं जो कि अनटैप्ड थे आपके लिए। स्टूडेंट्स को आज के दिन कहीं भी अगर रिटन एग्ज़ाम है, जहां पे भी राइटिंग ले पेन पेपर का एग्ज़ाम जो होता है, ऐसा कोई एग्ज़ाम है तो वहां पे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी सफलता मिलेगी। आज जितने संतुलित ढंग से आप आगे बढ़ेंगे, जितने बैलेंस तरीके से सोच समझ के आगे बढ़ेंगे, अच्छे से फूंक फूंक के कदम रखेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अपनी प्रगति की राह में आने वाली कोई भी चैलेंज है, कोई भी बाधा है, उसे निपटने के लिए उतने ही आज के दिन आप सफल बने रहेंगे। आज के लिए आपका लकी रंग है वाइट, और आपका लकी नंबर है नंबर 9। बात करते हैं मकर राशि की। तो आज आपकी राशि से नवम भाव में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं। आप दिन भर की भाग दौड़ से परेशान तो बहुत होंगे, लेकिन अंत में दिन भर के घटनाक्रमों, जो कि पूरी क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी तो समझिए, ये तो आपने सुना होगा, तो उसे प्रसन्न और संतुष्ट रहेंगे।
शांत बने रहें और अपने प्रेम या दाम्पत्य संबंधों में सकारात्मक बनाए रखने के लिए अपना पूरा प्रयास करें। पैसों की धन की स्थिति को कुल मिलाकर आज के दिन बैलेंस कहा जा सकता है, ना ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है और ना ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलने वाले हैं। वहीं पर स्वास्थ्य आज के दिन आपको थोड़ा कमज़ोर देखने को मिल सकता है। आज अचानक से बैठे बैठे में कहीं पर यात्रा करनी पड़ सकती है, अचानक से चुटकी में किसी का फ़ोन कॉल आया, बॉस का आया कि यहाँ पर जाना है और आपको फटाफट से तैयार होकर के निकलना पड़े। आज पुराने मित्रों से भी मुलाकात होगी, वहीं पर अपने आप को कोई बड़ा फैसला आज लेने से रोकना ही पड़ेगा। आज के लिए आपका लकी रंग है येलो और आपका लकी नंबर है नंबर 6। तो बात करते हैं कुंभ राशि की। तो आज आपकी राशि से अष्टम भाव में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं, जिसके चलते आज दिन संभल कर बिताएं, हर कदम सोच समझ कर फूंक फूंक कर रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कई बार बोलते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तो इसी प्रिंसिपल को आज आपको अपनाने की ज़रूरत है। प्रेम या दाम्पत्य संबंधों की गाड़ी पटरी से आज उतरने के आसार हैं, वहीं पे खर्च आपकी आमदनी की तुलना में बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य भी थोड़ा कमज़ोर बना रहेगा, वहीं पे नौकरी पेशा लोगों को अपने ऑफिस में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है और जो बिजनेसमैन हैं उनको भी आज कोई भी बड़े फैसले लेने से अपने आप को रोकना पड़ेगा। हो सकता है या तो फिर आप फाइनेंशियली आज के दिन स्टेबिलिटी नहीं देख रहे हैं, या तो फिर जो ऑलरेडी सिचुएशन चल रही है उसको देखते हुए अगर आपने जो भी डिसीजन लेना था वो लिया तो आगे जा करके गलत साबित हो जाए। किसी भी इंसान को, कोई भी व्यक्ति है, आज कहीं भी जाने से पहले एक बार अपने आप को शांत कर ले और भगवान को हाथ जोड़ करके निकले तो ज़्यादा बेहतर है। अपने आप को क्रोध करने से बचना है, वहीं पे ज़्यादा भावुक नहीं होना है। अपनी भावनाओं पर आज आपको नियंत्रण रखने की ज़रूरत है और वहीं पे स्टूडेंट्स को आज के दिन कुछ भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो बहुत ही ज़्यादा सतर्क होकर देने की ज़रूरत है, वरना प्रॉब्लम दूसरे तरीके से आपके लिए खड़ी हो सकती है। हो सकता है कि चीटिंग करते पकड़े जाएं, या तो फिर आप कर भी नहीं रहे हैं पर पीछे वाला आपको परेशान कर रहा है एग्ज़ाम के समय, तो भी आपके ऊपर फूट जाए भांडा किसी और का। आज के लिए आपका लकी रंग है ब्लैक और आपका लकी नंबर है नंबर 1। बात करते हैं अंतिम राशि की। तो आज आपकी राशि से सप्तम भाव में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं, आज का दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है। आज आपको अपने हर प्रयास में हर जगह सफलता मिल सकती है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति या कि इन्फ्लुएंशियल पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है जो कि आपके किस्मत का ताला खोल दे। सोचिएगा, किसी और व्यक्ति से मिलना लाइफ पार्टनर नहीं है, दोस्त नहीं है, ऐसा कोई उनसे रिश्ता नहीं है, सिर्फ उनसे मुलाकात भर, एक बार हाथ मिलाने भर में आपकी किस्मत खुल सकती है। कितना ज़्यादा बड़ा संयोग का चीज़ है ये, आप इस बात को समझिएगा। यात्रा आज के दिन आपको करनी पड़ सकती है और जो यात्रा करनी पड़ेगी वो आपके लिए फलदायक साबित होगी। वहीं पे आर्थिक लाभ भी आपको आज देखने को मिल सकता है। सेहत अच्छी बनी रहेगी, स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन शुभ कहा जा सकता है। साथ ही जो विद्यार्थी विदेश जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे, याद नहीं कि फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ना चाहते थे, उनके लिए भी आज का दिन बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है। आप पूरे दिन खुद को बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आपको किसी धार्मिक आयोजन में यानी कि रिलीजियस प्रोग्राम में जाने का अवसर मिल सकता है। वहीं पे पैसों की स्थिति पर आपको आज ज़्यादा सीरियस होके सोचने की ज़रूरत है कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से खर्च कर रहे हैं, कमा कितना रहे हैं और खर्च कितना कर रहे हैं, इस बात को सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आज के दिन हो सकती है। आज के लिए आपका लकी रंग है ब्राउन और आपका लकी नंबर है नंबर 3। तो ये तो हुआ आज का राशिफल। राशिफल तो हम सब ने जान लिया कैसा रहने वाला हमारे लिए दिन। तो अब बात आती है उपाय की। धन संपदा अर्जित करने का एक विशेष उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। जिस किसी पूर्णिमा को सोमवार हो उस दिन ये प्रयोग करना आपको अवश्य चाहिए। कहीं से नाग केसर के फूल आपको प्राप्त करने चाहिए। किसी भी मंदिर में शिवलिंग पर 5 बिलपत्र के साथ ये फल भी चढ़ा दीजिए। इससे पूर्व शिवलिंग को कच्चे दूध से, दही से, घी से, शहद, शक्कर, गंगा जल इनसे धोकर पवित्र करिए। ये क्रिया अर्थात 5 बिलपत्र तथा नाग केसर के फूल अगली पूर्णिमा तक हर रोज आपको चढ़ाते रहना चाहिए। इस पूजा में एक दिन भी कंटिन्यूटी आपकी छूटनी नहीं चाहिए, एक भी दिन एब्सेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर आपकी पूजा खंडित हो सकती है, बर्बाद हो सकती है, इस बात को समझिएगा। आपको ये फिर किसी पूर्णिमा के दिन पड़ने वाले सोमवार की प्रारंभ करने पर उसी तरीके से वापस तैयार करना पड़ेगा, वहां तक के लिए आपको वेट करना पड़ सकता है। इस एक माह के लगभग जैसी भी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना बन पड़े वो करनी चाहिए है। भगवान को चढ़ाए प्रसाद के ग्रहण करने में आपको उपरांत ही कुछ खाना चाहिए है।
उससे पहले कुछ खाना भी नहीं चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। कई बार होता है लोग सोचते हैं कि सगार का खाना यानी कि एप्पल चिप्स हुए जिसपे नमक नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, फल फ्रूट तो खा ही सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं खा सकते इस पूजा से पहले। जो लास्ट डे होगा, अंतिम दिन, चढ़ाए गए फूल और बिलपत्र में से एक अपने साथ श्रद्धा भाव से घर ले आए। इन्हें घर, दुकान, फैक्ट्री या तो फिर कहीं भी पैसे जहाँ पे रखा जाता है, जहाँ पे पैसे रखने का स्थान है, तिजोरी हो वहाँ पे रख दें। धन संपदा में अर्जित कराने के ना केसर के पुष्प चमत्कारी प्रभाव आपको दिखलाना शुरू कर देंगे। तो ये तो हुआ आपके लिए विशेष उपाय और आज का राशिफल। आज्ञा दीजिए, कल फिर डेली राशिफल लेके आप सभी के समक्ष आऊंगा और बतलाऊंगा कैसा रहेगा 14 फरवरी का दिन आप सभी के लिए। अगर ये आपको प्रोग्राम अच्छा लगा है, जो मैंने आपको बताया है वो सटीक लगा है, तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और वहीं पे इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि जिस तरीके से आपको फायदा मिल रहा है उसी तरीके से सबको मिल सके। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली, आपका आज का दिन शुभ, मंगलमय और सफलताओं से भरा हुआ हो। आप सभी को नमस्कार, शुभकामनाएं, धन्यवाद एवं जय हिंद।